तो बस जल्दी करो भागो। जान प्यारी है तो रुको, उसको हमारे हवाले कर दो। मुझे गोली लगी है तैमूर, रुको। आ जाइए जनाब। आ जाओ कैप्टन। तो क्या रिपोर्ट है तुम्हारे पास? जनरल, हमें ड्यूटी के लिए जो नाम दिए गए थे वो बेअसर कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जेदम के जख्मी होने के अलावा और कोई केस नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया। कर्नल कोपोज भी हॉस्पिटल में है लेफ्टिनेंट जेदम की वजह से। ऐसे ही है ना जनरल? हाँ, जेदम की वजह से भी, लेकिन करलांजिक भी हॉस्पिटल में है। करलांजिक पाशा बीमार है क्या जनरल? बेटा मैं जानता हूँ तुम अभी ड्यूटी से आए हो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लो। जो आपका हुक्म जनरल। अच्छा, वो कर्नल कोपोज वो ठीक है? मैं कुछ समझा नहीं। देखो कैप्टन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नल कोपोज आजकल एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जबकि वो एक मजबूत आदमी है, लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ख्याल रखने की कोशिश करूंगा, जैसा आपका हुक्म। अब जाओ। ठीक हूँ, ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने जैसे ही बैराम भाई से सुना, मैं फौरन यहाँ आ गई। यल्दा, सब क्या खबर है? भाई, उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब तक जख्म गहरा है उसका, और सीनियर डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब भी नाजुक है बहुत। ठीक है। कर्नल कोपोस कहाँ पर है? वो ऊपर हॉल में है। कहान करलांजक पाशा भी बहुत बीमार है। जानता हूँ। पहले मैं कर्नल कोपोस से मिल लूँ, फिर वापस आता हूँ। ठीक तो है? मैं यहां दो कमरों के बीच में बैठा हूं कैप्टन। एक कमरे में मेरे बाबा हैं और दूसरे में मेरी बेटी। ऐसे में मुझे कैसा होना चाहिए? करलांजिक पाशा, उन्हें क्या हो गया है कर्नल? सर्दी बहुत है, इसकी वजह से परेशान है। और क्या? आजकल मौसम भी बहुत अबरालूद है बेटा। अगर मैं आप कुछ छुपा रहे हैं कर्नल? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बेटा। तुम अपनी टीम की बहुत हिफाजत करना बेटा, ठीक है? हम सब तो यहां मुश्किल में घिरे हुए हैं, तो कम से कम किसी एक को तो मजबूत होना चाहिए, है ना? जैसा आपका हुक्म कर्नल। वो मैं, मेरा मतलब, शायद मैं बहुत थक चुका हूं। हम सभी बहुत थके हुए हैं। यल्दस जी, तुम गाड़ी से घर चली जाओ, मैं असले को छोड़कर आता हूँ। जी ठीक है भाई। शब्बखैर। शब्बखैर। चले, अल्लाह हाफिज़। लाओ मैं ड्राइव करूँ। हाँ जरूर।
इससे अच्छी और क्या बात होगी। कहाँ? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैंने लेफ्टिनेंट कुरसात को भी देखा था जब जेदम को रूम में लेकर जा रहे थे। वो जैसे उसे देख रहा था, मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास अल्फाज नहीं बताने के लिए कागान। अल्लाह खैर करेगा। जब तुम यहां नहीं होते मुझे डरावने ख्वाब आते हैं कागान। कभी सोचा नहीं था कि हर बार टेलीफोन की घंटी बजने पर मैं बिलावजह इतना डरने लग जाऊंगी। जब कुबलाया आता है तो उसकी शक्ल गौर से देखती हूँ कि कोई बुरी खबर तो नहीं सुनाने वाला। ऐसी हो गई है मेरी जिंदगी। हमारे पास खौफज़दा होने के लिए कुछ नहीं है असल, ना ही अब ज्यादा लोग बचे हैं। मुझे अफसोस है मगर ये हकीकत है। जानती हूँ, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन सीख ही जाऊंगी। या शायद नहीं, सर्दी बहुत है, चलो चलते हैं। शफ़ाक सख्त ने सुना मुयान्नास, हसरत चेकन गुनुल दर्दे दायान्नास। शफ़ाक सख्त ने सुना मुयान्नास, हसरत चेकन गुनुल derde dayanmaz. Çağırıram sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Sunan uyan, derin uykudan. Thank you.
करो, भागो, कोशिश मत करो वरना गोली मार दूंगा। जल्दी जल्दी वो हमारे पीछे ही है। वो हमारे करीब आ रहे हैं। रुक जाओ। दूसरा बंदा कहाँ है? वो आ रहा है। मुझे गोली लगी है तैमूर, रुको। तैमूर, वो मर गया होगा, कुछ तो बोलो। मुझे क्या पता, मैंने उसे 3 गोलियां मारी हैं, वो मर ही गया होगा। और अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो फिर क्या करेंगे? चुप रहो तुम, अपना मुंह बंद रखो, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये पुलिस कहां से आ गई? आखिर ये पुलिस कहां से आ गई? मैं इस बेवकूफ इंसान के फोन की वजह से पकड़ा जाऊंगा। तोड़ दो ये सब जल्दी। जल्दी से गाड़ी साइड पे रुको। जी कैप्टन बोजुक, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। तुम्हारे पास से गिर गई थी इसलिए मैंने वहां रख दी। बहुत गहरी नींद में सोया था मैं। हाँ बिल्कुल, कम से कम कहवा तो पी लो। कॉल आई है, मुझे जाना पड़ेगा। वापस आ जाना, ठीक है? कोशिश करूंगा। तुम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सो रहे थे। चाहे कुछ भी हो, अपने अंदर के इस बचपन को कभी मरने मत देना। ठीक है। हैदर, देखो मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। हैदर, हेडक्वार्टर से फोन आ रहा है। इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या मुसीबत है? हैदर उठ भी जाओ। लौट गया मैं। उठो और जल्दी से फोन उठाओ। हाँ हैदर, क्या हो गया है? रात भर पहाड़ तोड़ते रहे हो क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा तुम? हाँ रात भर झूला झुलाता रहा मैं, तुम्हारा हमदाम मुझे रात भर सोने नहीं देता। अच्छा ठीक है, फौरन उठ जाओ और जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो। ठीक है, फौरन। ठीक है, आता हूँ। पागल हो गया हूँ मैं, काश तुम्हारी बात सुन लेता तो आज हमारा टमाटर का भाग होता। बहुत गलत किया मैंने जो मैं फौजी बन गया। जोड़ जोड़ में दर्द है मेरे। हेलो, हेलो गालिब। हाँ कैप्टन बोसो बोल रहा हूँ, होश में आ जाओ। कौन बोसो? जी हुकुम करें कैप्टन। सबसे कह दो 15 मिनट में हेडक्वार्टर पहुंचे, समझ गए? जी ठीक है कैप्टन। एमरे उठ जाओ, हमें जाना है। एमरे, अह
घर में और कौन कौन है? पता नहीं, खुद जाकर देख लो, यहीं कहीं पड़े हुए होंगे। इलियास, इलियास, चलो उठ जाओ, चल चुक, चलो जल्दी उठ जाओ, हेडक्वार्टर से फोन आया है, 15 मिनट में पहुंचना है हमें, चलो चलो उठ जाओ, उठो जल्दी उठो, चलो जल्दी। अब ये निंजा का बेटा कौन है? ओ, ये यहीं पर सो गया था। कौन है ये? फर्स्ट लेफ्टिनेंट। ओ उठ जाए सर, उठ जाए जल्दी, हेडक्वार्टर से कॉल आई है, उठ जाए सर जल्दी। अब ये कौन लेटा है, कौन सो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा, घर कम रेलवे प्लेटफॉर्म ज्यादा लग रहा है। देखो अब अगर मैंने पाशा और कर्नल को बोझ को किचन में देखा तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, सबके सब तो यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिज्जा मैन भी हमारे साथ सो गया हो इसी घर में? हाँ ठीक कह रहे हो, भी सकता है। उठो, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। कौन है ये? गालिब, ये बड़ा हो रहा है। बदतमीज इंसान, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तमीज नाम की चीज नहीं है। माजरत और गुड मॉर्निंग। कमांडर, कैप्टन काकान ने कॉल किया, हेडक्वार्टर बुलाया है। लेकिन मैं रात को यहाँ कैसे सो गया? हाँ बिल्कुल, मतलब हमें भी हैरानी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर। सर गुड मॉर्निंग सरदार, आप क्या खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। और लेफ्टिनेंट जेदम की कोई खबर आई? हाँ, वो आईसीयू से बाहर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने करम किया, वरना उनकी हालत बहुत सीरियस थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ, ये सब इतनी नींद में क्यों है? सारी रात हल चला कर आए क्या? हाँ ऐसा ही समझे कमांडर, बहुत नींद आ रही है। क्यों? नींद पूरी नहीं हुई। अटेंशन, बैठे रहिए। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, पुलिस के साथ तसादुम के नतीजे में तैमूर का एक अहम तरीन आदमी जख्मी हालत में पकड़ा गया है। हम तैयारी पकड़ रहे हैं कि अगला नंबर तैमूर का है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहर में है या नहीं, जैसे ही ऑर्डर आएगा हमें जाना होगा, उसे हर हाल में पकड़ना है, उसे सफाई हस्ती से मिटा देंगे कैप्टन। काश के इस वक्त आप मुझे कुछ बता सकें बाबा, काश के मैंने उस वक्त आपकी सारी बातें इत्मीनान से सुन ली होती बाबा। हनन साहबा, हनन साहबा, इस वक्त मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप जाइए, फिक्र मत कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, और प्लीज अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है इब्राहिम सर, खुदा के लिए आप खुद को अजियत मत दीजिएगा, ठीक है।
रिजवान। जी हुकुम करें कर्नल। अब क्या सिचुएशन है? कसम से मेरी नजरें जब भी लेफ्टिनेंट कुरसात पे पड़ी कर्नल, उनकी आंखें मैडम जदम से नहीं हट रही। और सच में मेरे जहन में बहुत से अजीब ख्याल आ रहे हैं कर्नल। लेफ्टिनेंट कुरसात बिल्कुल पागल हो रहा है, वो अपने होश में नहीं है। मैं उन्हें देखकर बेहद परेशान हो रहा हूँ। अगर मैडम जदम को कुछ हो गया तो हम उन्हें भी खो देंगे। ठीक है, तुम इन दोनों का ख्याल रखने के लिए यहीं रुको। मेरे कल्लांचिक बाबा भी यहीं हैं। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। जैसा आपका हुक्म कर्नल। ठीक है, बैठ जाओ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यिल्डिज। अब क्या हो गया है अम्मी? मैं कितनी देर से तुमसे एक ही बात कर रही हूँ यिल्डिज। हाँ अम्मी, वो भाई सोफे पर सो गए तो वो उनके पास जाकर बैठ गई, तो क्या हो गया? हाय, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए, बल्कि जल्दी कोई शादी की तारीख रख देते हैं बेटा। अरे अम्मी, ऐसी कोई भी बात होती तो भाई आपको खुद ही फोन करके बता देते ना। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा बेटा। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, वो अपने किसी दोस्त के घर भी तो सो सकता था ना, मगर मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं हो रहा बेटा, पता नहीं क्यों। देखिए अम्मी, हमारी जिंदगी में और भी बहुत से मसले हैं। लेफ्टिनेंट जेदम और किरलाजिक पाशा अस्पताल में है और उनकी हालत खतरे में है, आप जानती तो है ये सब कुछ। सही कह रही हो, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया बेटा। या अल्लाह, चलो बाजार जाने में देर हो रही, जल्दी करो चलो। लेकिन मैं आपके साथ बाजार नहीं जा सकती अम्मी। हाँ अम्मी, आपको बताया तो था मैंने कि मेरा बाजार जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पसंद नहीं है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? बताया तो था मैंने कि मेरी शाम को शिफ्ट है हॉस्पिटल में, मुझे जाना है, पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। बेटा, मेरी सब समझ में आ रहा है। डॉक्टर बन गई हो ना, आप दिखावा करोगी मुझसे? अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, ऐसे डॉक्टर का कोई फायदा नहीं जो अपनी माँ की बात ही ना सुने, याद रखना तुम। अच्छा मैडम यिल्डिज, अब क्या किया मैंने, पागल कर दिया है सबने मुझे। सरदार, क्या हाल है? कॉल क्यों नहीं की? यार असल में टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में वापस आए हैं और गए भी देर से ही थे। समझ गई। अच्छा, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा तो गुस्सा मत होना। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे भाई की जो नजर है वो हम पर 24 घंटे ही होती है। अच्छा ठीक है। तुम तो जानती हो ना कि यहाँ पर हमें फोन पे बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो तो बस मैं रह नहीं पाता। सरदार, ये सब कुछ मुझे पता है, कोई और बात कर लो प्लीज। हाँ ठीक है, क्या कर रही हो? हद हो गई। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या कहने वाला था? अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो प्लीज आप जगह पर जाएंगे, कर्नल आने वाले हैं, कुछ काम कर लो जाके। हार्ट अटैक होने वाला था मुझे। इसने तो सच में फोन बंद कर दिया। बेवकूफ इंसान। सब यहां आ जाएं। अटेंशन। गुड मॉर्निंग सिपाहियों। इस वक्त हमारा मौजू है तैमूर, और इस वक्त उनका एक आदमी पुलिस की तहवील में है, और ये हमारे पास तैमूर को पकड़ने का सबसे बड़ा मौका है, इसीलिए हम सब यहां जमा हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है और हम उनसे मुस्तकिल रابطे में हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम अपना अगला कदम उठाएंगे। कैप्टन गाइड करें। जो आपका हुक्म कर। इसीलिए अपनी तमाम तैयारियों का अच्छी तरह से जायजा लें और शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नजर रखें। चलो। ठीक है, समझ गए कर्नल। और कुछ मिला आपको? हम तकरीबन 2 घंटे से तलाश कर रहे हैं मगर कुछ नहीं मिला। उस शख्स के मोबाइल के आखिरी सिग्नल यहीं से आए थे, इसलिए अच्छी तरह से देखो, अगर यहां से कोई सुराग नहीं मिला तो। सर, ये वहां से मिला मुझे। ठीक है, अच्छी तरह छानबीन करो, कड़ी तलाशी लो, यहां बहुत लकड़ियां हैं, जाओ। डॉक्टर साहब, अब जेदम कैसी है बताएं? मुझे आज तो बेहतर लग रही है, लेकिन आपसे ज्यादा चाहती हूं। ये बताइए, क्या आप पेशेंट के शौहर हैं लेफ्टिनेंट? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाऊंगा। देखिए, हमारे ट्रीटमेंट की वजह से वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। शुक्र अल्लाह का। हाँ लेकिन लेकिन जैसे जैसे वो बेहतर होती जाएंगी
तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होगी। जी जरूर, बिल्कुल। असल में बात यह है डॉक्टर साहिबा के लड़ाई के दौरान जख्मी हुई है, तो वहाँ खौफो हिरास और शोर शराबा वगैरह। ऐसा नहीं है लेफ्टिनेंट, बात कुछ और है। बताएं प्लीज। बात यह है कि गोली ने उनके यूट्रस को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। क्या मतलब? लेफ्टिनेंट, इसका मतलब यह है कि जेदम साहिबा अब कभी माँ नहीं बन सकती। उनकी जान बचाने के लिए हमें उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। बोले अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो बताएं। अटेंशन, बैठ जाइए। हम कर्नल इब्राहिम कोबूस बात कर रहा हूं। मैं चीफ कांस्टेबल हाकान अजर हूं सर। हमें उसका फोन मिल गया है, उसमें कैमरे का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और कार ट्रैकर भी है। बहुत अच्छी खबर है हाकान साहब। इतना ही नहीं सर, बल्कि तैमूर का एक और हदफ भी है। उसका निशाना बहुत बड़ा है, आपको जल्द काम करना होगा। इससे क्या मतलब है आपका? तैमूर के ठिकाने का पता चल गया है, अब हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। लेकिन एक मसला और भी है। पकड़े जाने वाले जख्मी दहशतगर्द ने पुलिस को तफ्तीश के दौरान बताया है कि उन्होंने रेलवे लाइन पर बम लगाया है। टीम दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। कागान, जो आपका हुक्म कर्नल। आप मुराद और सलजूक, एमरे और गालिब के साथ जाएंगे। जैसा आप कहें कर्नल। हैदर, हुक्म करें कर्नल। आपके साथ सरदार बहराम और इलियास जाएंगे। जो आपका हुक्म कर रहा। कागान, आपकी टीम तैमूर को ढूंढने जाएगी। यूरिक, आपकी टीम रेलवे स्टेशन को क्लियर करने जाएगी। जो आपका हुक्म कर रहा। लेकिन बदकिस्मती से एक मसला और भी है। बताए जाने वाले रेलवे स्टेशन पर एक कमांडो स्क्वाड की अलविदाई तकरीब है, जो शाम में स्क्वाड की जगह लेने जा रही है। हम लोगों के हुजूम को वहां से निकालने के लिए हुक्काम से रابطे में हैं, लेकिन तैमूर धमाका कब करेगा इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं। और इससे पहले कि तैमूर उस बम को रिमोट के जरिए इस्तेमाल करे, हमें उसे नाकारा बनाना होगा। और इसी वजह से टीम के हर मेंबर को बहुत एहतियात से काम लेना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जो आपका हुक्म कर्नल। अल्लाह आप करने के बाद। टीम गाड़ी में बैठे।
सर। इस जगह को फौरन खाली करवाएं। जो आपका हुक्म सर। ट्रेन में तो कोई नहीं? हमारे कुछ सिपाही ट्रेन में मौजूद हैं सर। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का पैनिक हो यहाँ पर। ठीक है सरदार, तुम जाओ और ड्राइवर से सफर मुलतवी करवाओ। ठीक है मैं समझ गया। सुनो बेरा। ठीक है कैप्टन। सिपाहियों से कहो ट्रेन खाली करें। समझ गया कैप्टन। यस। चलो जल्दी करो। प्लीज जल्दी जगह खाली करें। जल्दी करें प्लीज जल्दी। खाली करें बाहर आ जाए। प्लीज जल्दी से जल्दी जगह खाली करें। जल्दी ट्रेन को खाली करें। जल्दी पूरी ट्रेन खाली करो। जल्दी जल्दी बाहर जाए। जल्दी शाबाश। जल्दी करें जल्दी 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 करो जल्दी जल्दी जल्दी। सब आगे बढ़ते जाएं। कैप्टन काम हो ट्रेन खाली। चलो अब हम यहां से चलते हैं। बम डिस्पोजल टीम आ रही। ठीक है मैं समझ गया कैप्टन। क्या कुछ कहना है? जी हाँ कैप्टन, एक बच्ची है जो लापता है। कौन बच्ची? एक छोटी बच्ची है उस फैमिली के साथ। नाम क्या है? किसका नाम? उस बच्ची का नाम। ओ बच्ची का नाम क्या है? आईबीके। आईबीके नाम है उस बच्ची का। बुजुर्ग जैसे भी गिरके तैमूर को ढूंढो। क्या वो यूरिक कोई मसला है? 8 साल की बच्ची नहीं मिल रही। उसके घर वाले परेशान है। तैमूर को पकड़ो ताकि बम को नाकारा किया जाए। बुजुर्ग सुन रहा हूँ। उस बच्ची की और मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं समझता हूँ तुम परेशान ना हो। सिपाहियों पकड़ो और मेरे पीछे कोई ना आए। हाँ लेकिन सरदार नहीं रखोगे। हाँ मुराद इसे मार दो। जो आपका हुक्म कैप्टन। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर ये राज कौन बताएगा कैप्टन? हाँ अगर तुमने एक भी गलत बटन दबा दिया तो इसे बंद करो।
जल्दी बंद करो इसे। गालिब, मैंने कहा बंद करो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बंद करो इसे। आईबीके, बाहर आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी, मैं बाबा के पास जाऊंगी। तुम्हारे बाबा बाहर हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ट्रेन से उतरी तो बाबा के पास नहीं जा सकूंगी, मुझे उनके पास जाना है। आप जाएं, मैं बाबा का इंतजार करूंगी। आ जाओ। नहीं, बुजुर्ग बाबा, इसे रोकना होगा, यहाँ बहुत सी जाने खतरे में। तो तुम नहीं बंद करोगे? हाँ, जो कह रहा हूं वो करो, वरना मैं बारी बारी तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा और तुम्हें खुद खिलाऊंगा, समझे तुम? अब जल्दी बंद करो। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा जल्दी बंद करो। तो रोक दो इसे तैमूर। रोको इसे। तुम्हारे आने से पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी कर्नल। इसे कीमत अदा करनी होगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक सिपाही करीब आ रहा है।